बेटा फील्ड्स में जो सीड सोन किए जाते हैं वो 4-5 दिन के बाद जर्मिनेट हो जाते हैं और उनसे बेबी प्लांट बन जाते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि सारे बेबी प्लांट जो हैं वो हेल्दी प्लांट्स बने और उनसे अच्छा प्रोडक्शन मिले। बिकॉज स्ट्रे एनिमल्स, बर्ड्स, रैट्स, इंसेक्ट्स ईट एंड डैमेज क्रॉप प्लांट्स एंड देयर प्रोड्यूस। क्रॉप प्लांट्स आर अटैक्ड बाय डिजीज कॉजिंग पैथोजन्स। जो डिजीज़ को स्प्रेड करने वाले होते हैं जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, इंसेक्ट्स है, इनको हम पैथोजन्स बोलते हैं और इनको कलेक्टिवली रूप में जो है पेस्ट्स बोला जाता है। क्रॉप्स आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स। अब स्ट्रे एनिमल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा फील्ड होता है उसके चारों तरफ फेंसिंग होनी चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स, बर्ड्स से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है खेत में जो फील्ड वगैरह होते हैं उसमें स्केयर क्रो बनाया जाता है, एक जैसे आदमी सा बनाकर और उसके ऊपर हंडी लगा देते हैं, इसको हम स्केयर क्रो बोलते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, अब इंसेक्ट अटैक क्रॉप प्लांट्स एज सम इंसेक्ट स्प्रेड प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स एंड सम कॉज डिजीज देमसेल्स। इंसेक्ट जो हैं वो कुछ प्लांट्स के ऊपर बैठते हैं और उनमें अगर डिजीज है तो उन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को जो है दूसरे तक पहुंचा देते हैं, या कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो भी डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। कुछ क्रॉप डिजीज़ हैं जैसे कि ब्लाइट, ये पोटैटो के अंदर होती है, इसमें लीव्स जो हैं वो पैची हो जाती है और ये फंगस के द्वारा होता है। रस्ट, ये डिजीज़ वीट में पाई जाएगी, इसमें लीव्स जो हैं लीव्स के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स बन जाएंगे, ये भी फंगस के द्वारा होता है। स्मट, ये वीट डिजीज़ है, ब्लैक पाउडर बन जाता है ग्रेन्स के अंदर और ये भी फंगस के द्वारा होता है। रूट रोट, ये पैडी प्लांट्स में होता है और प्लांट टर्न्स येलो, इंसेक्ट्स के द्वारा होगा। ब्लास्ट, ये पैडी प्लांट्स के अंदर पाई जाती है डिजीज, इसमें लीव्स के ऊपर जो है ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं और ये इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। प्रोटेक्शन कैन बी अचीव्ड, अब प्रोटेक्शन जो है वो कैसे किया जा सकता है, बाय शोइंग डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ सीड्स, कि हम ऐसे सीड्स लगाएं जिन सीड्स के अंदर जो है डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी हो, यानी कि उनके अंदर जो है डिजीज रेसिस्टेंट जो है कैपेबिलिटी हो, ठीक है। बाय ट्रीटिंग सीड्स विद फंगीसाइड्स बिफोर सोइंग, सीड्स को सोन करने से पहले अगर उनके अंदर फंगस वगैरह लगा हुआ है तो उनको फंगीसाइड से जो है ट्रीट किया जाना चाहिए। बाय स्प्रिंग इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स ऑन द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर, यानी कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स और फंगस को ख़त्म करने के लिए फंगीसाइड्स का जो है स्प्रे किया जाता है। केमिकल्स यूज टू किल पेस्ट्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स, यानी कि पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं उनको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। अब पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते समय जो है किन किन बातों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, किन क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कीप योर नोज एंड माउथ कवर्ड, अपना मुँह और नोज है कवर रखें। Put on head gloves immediately after spraying, wash your hands, face and mouth. कुछ common जो है insecticides हैं जैसे कि BHC, इसका common name है gamexin और methalin. Thank you.